आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं ऑक्सीपॉड ओरल ड्रॉप के बारे में। इसका उपयोग किया जाता है बच्चों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए। तो इसको मैन्युफैक्चर करते हुए इंडिको रेमेडीज है और इसका कंटेनर सेफोडॉक्सिम 25 mg ईच 1 ml में। इसका 10 ml का पैकेट है जिसकी कॉस्ट है 66 रुपीज। तो ऑक्सीपॉड ओरल ड्रॉप के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी, किसे किन प्रॉब्लम में डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं और इन्हें जब आप यूज करते हैं तो बच्चों में क्या बेनिफिट्स और क्या साइड इफेक्ट देखने को आ सकते हैं। तो संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। तो इसके बॉक्स अगर हम ओपन करते हैं तो हमें इस तरह का एक डिस्टिल वाटर मिलता है और इसमें एक मेजरिंग कैलिपर ड्रॉपर मिलता है और साथ में सस्पेंशन। तो इसको मिक्स करना अप टू द मार्क तक और उसके बाद इसे एक 7 दिन के अंदर यूज कर लेना है। तो इसका उपयोग तभी करना है जब बच्चों को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, जैसे उसके पेट में, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में या यूरिनरी में, या उनकी आँख या नाक में, या उनके गले में कहीं बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, या उसके लंग्स में, या उसके स्किन में कहीं बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ तो इसका उपयोग किया जाता है। या बच्चों को टाइफाइड फीवर आ रहा है बार बार तब इसका उपयोग किया जाता है। या बच्चों में सर्दी खांसी जुकाम हुआ है जिसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तब इसका उपयोग किया जाता है, बैक्टीरियल के इन्फेक्शन के लिए और उसके बचाव के लिए। तो इसमें जो सेफोडॉक्सिम है ये क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करता है, जो उसकी लाइफ साइकिल के लिए उसको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहती है उसी को वह बनने नहीं देता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया मर जाता है। इस तरह से इसके ग्रोथ को स्टॉप करता है सेफोडॉक्सिम। अगर इसका उपयोग करना है तो आप एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लें। आप खुद से करते हैं तो हो सकता है कहीं डोजेस अप डाउन हो तो बच्चों में साइड इफेक्ट देखने को आ सकते हैं। इसके साइड इफेक्ट बच्चों को जी मचला सकता है, उल्टी आ सकती है और उनके जुलाब लग सकती है, डायरिया हो सकता है। ये सारे इसके टेम्परेरी साइड इफेक्ट है, जैसे आप पिलाना बंद कर दे तो चला जाता है। तो ऑक्सीपॉड ओरल ड्रॉप अगर जैसे आप पिलाते हैं देखेंगे आपको बच्चों में इम्प्रूवमेंट देखने को आता है, 1-2 दिन में बच्चा बेटर फील करने लगता है, जो उसका इन्फेक्शन वगैरह था वह ठीक होने लगता है। तो ऑक्सीपॉड ओरल ड्रॉप को अगर डोजेस के बारे में बात करें, 2 महीने से लेके अगर बच्चा 1 साल का है तो उसे 1 ml ट्वाइस डेली देना है। अगर उससे आपका है तो जिस तरह से डॉक्टर आपको आप एडवाइस करते हैं आप उसे ज़रूर फॉलो करें, या दो दो महीने से कम का बच्चा है तो जिस तरह से डॉक्टर आपको एडवाइस करता है डोसेज के लिए आप उसे ज़रूर फॉलो करें। तो वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन ऑक्सीपोर्ट के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो एक लाइक कर दें, और आप फ्यूचर में ऐसे मेडिसिन से जुड़ी जानकारी से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल।